गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में लेक्चर नंबर 45 पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 और शुरुआत करेंगे वेरियस टॉपिक्स के साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नो डे येट नेम मोशन के बारे में, रूल्स और प्रोसीजर को देखेंगे, देन सेंशर मोशन के बारे में देखेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे, देन रेजोल्यूशंस के बारे में देखेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो बिल्स को लेकर है, टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है, रीडिंग ऑफ द बिल क्या होता है और कंसिडरेशन स्टेज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और फाइनली पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 6 से ज़्यादा एमसीक्यूज को ठीक करने का होना चाहिए यहाँ पे, टू बी इन द सेफ जोन। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नो डे येट नेम मोशन के बारे में है। पूछा गया है कि नो डे येट नेम मोशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय स्पीकर। स्पीकर के द्वारा इस मोशन को एडमिट किया जाता है। स्पीकर अलाउट्स अ डे आफ्टर कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द हाउस। स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर इसके अंदर एक दिन अलॉट कर सकते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस से कंसल्ट करने के बाद। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट दोनों में से ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, तो होता क्या है इसके अंदर, स्पीकर जो है स्टेट ऑफ द बिजनेस को कंसीडर करने के बाद ये देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर काम कितना है, हाउस के अंदर काम कितना है, उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस से कंसल्ट करते हैं इस पर्टिकुलर मोशन के बारे में। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी रिकमेंडेशन लेते हैं और उसके बाद एक दिन या अ पार्ट ऑफ द डे जो है इसके लिए एलोकेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इट्स अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर, तो येस पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्पीकर इसको एडमिट करते हैं, स्पीकर इसके लिए एक दिन या पार्ट ऑफ द डे जो है आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस करने के बाद एक दिन अलॉट कर देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अ मेंबर कैन रेज व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो जब हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है तो इन चारों में से मेंबर जो है वो किसको रेज कर सकते हैं, क्या 2 आवर्स डिस्कशन को, पॉइंट ऑफ ऑर्डर को, हाफ एन आवर डिस्कशन को, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए, तो आंसर है इसका बी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर को। तो अगर जो हाउस है वो एज पर द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं चल रहा होता है तो मेंबर जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज कर सकते हैं। इसमें होता क्या, बेसिकली इट रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस। हाउस के जो रूल्स होते हैं उसके इंटरप्रिटेशन और उनके एनफोर्समेंट से लेकर ये रिलेट करता है और यूजुअली अपोजिशन मेंबर्स जो होते हैं वो इसे रेज करते हैं ताकि गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, साथ में ही इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस माना जाता है क्योंकि ऑर्डिनरी तो है नहीं, ये रोज रोज तो यह रेज किया नहीं जाएगा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर इस डिवाइस को यूज किया जाता है, देयरफॉर इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में दिया गया। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर सही है, आपको बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है वो कहती है कि सेंश्योर मोशन शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा वाइल नो सच रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब आपको सेंश्योर प्रस्ताव जो है इसको उठाना है तो उस केस में आपको रीजन जो है वो बताना पड़ेगा, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में रीजन बताने की जरूरत नहीं है। सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दोनों के अगेंस्ट में इसे रेज किया जा सकता है। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी इसे रेज किया जा सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो पूरी काउंसिल के अगेंस्ट में ही रेज किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो देखिए सेंश्योर को याद रखने का तरीका, हम सेंश्योर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आर ई को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए और जब रीजन की स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, REASON। ठीक है, RE इसके आगे ASON लगा दो। ठीक है, तो सेंश्योर मींस रीजन इसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे रीजन देने की जरूरत पड़ती है आपको। तो सेंश्योर मोशन शुड स्टेट द रीजन, यस इट शुड स्टेट द रीजन और रीजंस कि हम इसे क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं इसको। ठीक है, याद रखने का तरीका ये है, आप सेंश्योर लिखिए, सेंश्योर के लास्ट में ही रीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्पेलिंग के साथ ही, तो आप इसको याद रखने के लिए इसकी स्पेलिंग के थ्रू इसे याद रख सकते हैं कि सेंश्योर मोशन में होता क्या होगा और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग कैसे। तो सेंश्योर मोशन में रीजन बताने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। क्या सेंश्योर मोशन एक इंडिविजुअल, मल्टीपल इंडिविजुअल या फिर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में हो सकती है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो पूरे काउंसिल में नहीं होता है, पूरी सरकार में नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक मिनिस्टर में नहीं होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, तो पूरा ही कॉन्फिडेंस पूरी काउंसिल के अगेंस्ट में लूज कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मेजर डिफरेंसेस जो वही देख लीजिए, हम पहला तो पढ़ ही चुके हैं। इट शुड स्टेट द रीजन, याद रखने का तरीका RE से याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे रीजन बताने की, नो कॉन्फिडेंस में नाम में ही नो आ रहा है तो नो रीजन, रीजन बताने की जरूरत नहीं होती है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, दो मिनिस्टर, 10 मिनिस्टर, एंटायर काउंसिल के अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज होता है तो पूरी काउंसिल के साथ ही आपका लूज हो जाता है। इट इज मूव्ड फॉर सेंचुरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन, कोई पॉलिसी और कोई स्पेसिफिक एक स्पेशल एक्शन के अगेंस्ट में भी इसको लाया जा सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, इट इज मूव्ड फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, कि क्या लोकसभा का विश्वास गवर्नमेंट में है कि नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को हम काउंटर कर रहे हैं, मल्टीपल को भी कर सकते हैं सेंचुर मोशन के अंदर। इस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी और एक पर्टिकुलर एक्शन को भी यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो अगर सेंचुर मोशन पास हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना ही है। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस, जो कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया गया था, लोकसभा को यह देखने के लिए कि क्या लोकसभा का कॉन्फिडेंस काउंसिल के अंदर बचा है या नहीं, तो इस केस में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इसका मतलब लोकसभा का कॉन्फिडेंस काउंसिल मिनिस्टर या सरकार के प्रति नहीं है और यहाँ पे काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाता है। काफी लॉजिकल है अगर आप देखें तो। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। बात कर रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में, पूछा गया है कि इसको लेकर, SDD को लेकर इन चारों में से क्या ठीक है, किसको माना जाता है। 1 आवर डिस्कशन को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहते हैं, 2 आवर को कहते हैं, हाफ एन आवर को कहते हैं, या फिर स्पेशल मेंशन को। स्टेट अवे क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है और पीसीएस में तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सारे पूछे ही जाते हैं, सोचिए अब। चलिए, तो यहां पे इज इट अ 2 आवर डिस्कशन, तो यस, 2 घंटे वाली डिस्कशन को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहा जाता है। तो यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा बी। याद रखने का तरीका यही है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन स्टार्ट S से हो रहा है और S जो है इट्स जस्ट अपोजिट टू 2, 2 की तरह ही लगता है। तो 2 घंटे की ये डिस्कशन होती है, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यू होते हैं, काफी अर्जेंट इंपॉर्टेंस के जो इश्यू होते हैं, जिसपे आपको इमीडिएटली ध्यान देना जरूरी है, वहां पर ये डिस्कशन करी जाती है। और इसको अलाउ कौन करते हैं, देखिए हाउस के अंदर तो जो चीजें अलाउ करी जाती है वो तो स्पीकर ही करेंगे, ठीक है, बिकॉज ही इज द और शी इज द बिगेस्ट अथॉरिटी देयर, तो स्पीकर इसको अलाउ करते हैं। B हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किस बारे में बात करता है। पूछा गया कि रेजोल्यूशंस को लेकर बताइए कि इन तीनों में से कौन कौन से रेजोल्यूशन के अंदर आते हैं, कौन कौन से इसमें से रेजोल्यूशन है। क्या प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन करके कोई रेजोल्यूशन है, मे बी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन करके कुछ है, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए रेजोल्यूशन लाए क्यों जाते हैं। जो मेंबर्स ऑफ द हाउस होते हैं, जो आपके एमपीज होते हैं, अगर उनको किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ ध्यान दिलाना है हाउस का, ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन लेके आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को, एक ऐसा कोई मैटर है जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का है और उस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना है या हाउस का ध्यान दिलाना है, तो ये रेजोल्यूशन लाए जाते हैं। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन भी होता है, बिल्कुल सही है, कोई बनाए हुआ नाम नहीं है ये। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी होता है और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तीनों ही हमारे करेक्ट है, कोई भी यहाँ पे फिक्टिशियस या कोई फिर आर्टिफिशियल नाम नहीं है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये होते क्या है देख लीजिए एक बार। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो होता है, ये ऑल्टरनेट फ्राइडे को सिटिंग करी जाती है, मतलब एक फ्राइडे छोड़ के दूसरे फ्राइडे को इसकी सिटिंग करी जाती है और इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। प्राइवेट मेंबर अगर किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाह रहा है तो इस पे गवर्नमेंट ध्यान देती है, डिस्कशन करती है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है जो कि मिनिस्टर लेके आते हैं ऑन एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। देखिए, जब प्राइवेट मेंबर है उसके पास पावर कम है, सिर्फ उसको ऑल्टरनेट फ्राइडे दिया गया, लॉजिकल है। लेकिन जो गवर्नमेंट इन पावर है वो तो वहां पे जो मिनिस्टर्स तो काफी पावरफुल होते हैं और यहाँ पे उनका काम भी काफी सेंसिटिव नेचर का होता है, तो किसी भी दिन चाहे मंडे टू थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे हमने किसके लिए रखा हुआ है, प्राइवेट मेंबर के लिए, मंडे टू थर्सडे अपना रेजोल्यूशन ला सकते हैं। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन क्या होता है, इट कैन बी मूव्ड ईदर बाय अ प्राइवेट मेंबर और अ मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी इसको ला सकता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा ए है, तीनों ही टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, जो आर्ट एंड कल्चर की MCQ सीरीज है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें पूरी जो बुक है हम उसको MCQ के थ्रू कवर करें, ताकि 2021 का जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं या इवन उसके बाद का 22 के लिए या 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब तक एग्जाम आए आपकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लेकर जो आपकी तैयारी है वो 100% होनी चाहिए और वहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और इसमें आर्ट एंड कल्चर में हम मेन्स के पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे, ताकि मेन्स का जो शेयर होता है आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेपर नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन इसी एरिया से पूछा जाता है, वो भी आपका करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है वेरियस टाइप्स के बिल्स के बारे में दिया गया और पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट बिल्स को लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी जिस भी एरिया के बारे में बात करी जाती है उसे ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। मे बी अ मनी बिल इज सर्टिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। अ मनी बिल इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल, मनी बिल जो होता है एक स्पेसिफिक काइंड का फाइनेंशियल बिल होता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए हमारे पास किस किस टाइप के बिल होते हैं, देखिए ऑर्डिनरी बिल होता है हमारे पास, ठीक है, फिर हमारे पास फाइनेंशियल बिल होता है, फिर हमारे पास मनी बिल होता है। देखिए जब फाइनेंशियल बिल नाम ही एक अलग है, कैटेगरी एक अलग है जिसमें हम फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि फाइनेंशियल बिल्स आर कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल बिल्स वो बिल्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर्स है जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, उनसे रिलेट करते हैं। तो डेफिनेटली ऑर्डिनरी बिल्स ऐसे बिल होंगे जो अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स के लिए तो एक अलग ही कैटेगरी है। तो पहली स्टेटमेंट थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस को यूज करें तो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मनी बिल क्या प्रेसिडेंट सर्टिफाई करेंगे, देखिए ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था देखिए हाउस के अंदर तो कर्ता धर्ता कौन है हमारे, अगर हम हाउस की बात करें कर्ता धर्ता हमारे वहां पे स्पीकर है, तो इस वजह से प्रेसिडेंट का यहाँ पे रोल नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई तो सीओडी को एलिमिनेट करिए। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी जो कि हमने कर भी रखी है। अब तीसरी स्टेटमेंट डिसाइड करेगी आंसर क्या है। मनी बिल इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल, तो यस अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलेगा मनी बिल्स जो है दे आर कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स किस किस तरीके के, जैसे टैक्सेशन से डील करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर से डील करते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल्स जो कि वेरी प्रिसाइजली डिफाइन करे गए हैं किसके अंदर, आर्टिकल 110(1)A से लेके G तक, ठीक है। मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है, स्पीकर करता है। दोबारा से बता देता हूं, मनी बिल दे आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल एक बड़ी कैटेगरी हो गई, उसके अंदर एक छोटी कैटेगरी है जिसे आप मनी बिल कहते हैं, जो कि आर्टिकल 110 से A और G के मैटर्स को डील करते हैं। इसके अंदर बेसिकली बात टैक्सेशन की, पब्लिक एक्सपेंडिचर की करी जाती है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है वो कौन बताएगा, हाउस के अंदर कौन है कर्ता धर्ता, स्पीकर इज द कर्ता धर्ता, ही इज द हेड और शी इज द हेड, वो बताएंगे, ठीक है। यहां पे ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स दैट कैरीज स्पीकर सर्टिफिकेशन, तो एक बिल फाइनेंशियल बिल ही होगा, लेकिन इसके अंदर अगर स्पीकर की सर्टिफिकेशन ऐड हो गई तो वो मनी बिल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर स्पीकर नहीं कहता ये मनी बिल है तो वो फाइनेंशियल बिल है, लेकिन अगर फाइनेंशियल बिल को स्पीकर ने कह दिया कि यस इट इज इसका जो नेचर है वो मनी बिल वाला नेचर है, देन दैट बिल विल बिकम अ मनी बिल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा काफी डिफरेंस जो है, माइन्यूट से डिफरेंस है, एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, वीडियो को देख के जाते हैं और इसकी पीडीएफ रिवाइज करके जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में पूछा गया, ऑर्डिनरी बिल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर, ये जो होता है या तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई दूसरे मेंबर इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए नाम ऑर्डिनरी है, अगर कोई चीज ऑर्डिनरी है तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज उसके साथ नहीं होगी, मतलब ऑर्डिनरी है तो आप लोकसभा में भी लेके जा सकते हैं, राज्यसभा में भी लेके जा सकते हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इसको नहीं दिया जाएगा। तो व्हेन द स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट ऑर्डिनरी को नहीं दिया जाता, लोकसभा हो राज्यसभा हो कहीं पे भी, इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट कैन बी इंट्रोड्यूस, किसी भी हाउस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड, क्या इसे मिनिस्टर और एनी मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी है तो कोई भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो वो भी कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा ऑर्डिनरी मेंबर हो हाउस का वो भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि प्राइवेट बिल्स के बारे में है। बिल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डिनरी, प्राइवेट, पब्लिक, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स, ये सब देख रहे हैं। तो प्राइवेट बिल के बारे में 4 स्टेटमेंट्स हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहली कहती है इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर, मिनिस्टर के अलावा इस बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी, तो जो विपक्षी पार्टी होती है उनके स्टैंड को ये रिफ्लेक्ट करता है, हो सकता है। इट हैज लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर इसके पास होने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है। इट इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस रिक्वायर्स 15 डेज नोटिस, तो इसका जो इंट्रोडक्शन होता है हाउस के अंदर 15 दिन का एडवांस नोटिस उसके अंदर देना पड़ता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर बात करी जाए क्या 15 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर आपको 1 महीने का 1 मंथ नोटिस जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है प्राइवेट बिल के लिए, क्योंकि प्राइवेट बिल है, इसको मिनिस्टर नहीं लेके आ रहे हैं तो कोई जल्दी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आ सकते हैं लेकिन मिनिस्टर को छोड़कर, इस वजह से अच्छा खासा इसके अंदर टाइम दिया जाता है। तो यहां पे इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 मंथ नोटिस, 1 मंथ एडवांस नोटिस जो है वो देना होता है। चौथी स्टेटमेंट अगर आपकी गलत हो जाती है, तो ये मेन इसकी क्रूशियल स्टेटमेंट थी, मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें 4 में से या 3 में से 1 स्टेटमेंट क्रूशियल स्टेटमेंट होती है, अगर आप उसको एलिमिनेट कर पाते हैं ना तो सीधा डायरेक्ट आपको आंसर आ जाता है, चाहे बाकी की स्टेटमेंट के बारे में आपको पता हो या ना पता हो। जैसे अगर आपको सिर्फ ये चीज पता होती कि इसके लिए 30 दिन दैट इज 1 मंथ का टाइम चाहिए होता है और आप चौथी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते, पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट के बारे में आपको ना भी पता होता तो भी आप स्ट्रेट अवे ए मार्क कर सकते थे, क्योंकि ए ही आंसर इसका बचता है। फिर भी हम रीड कर लेते हैं, क्या इसका इंट्रोडक्शन अदर देन मिनिस्टर, मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं, तो यस, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन उनको मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी, क्योंकि मिनिस्टर नहीं लेके आ रहे हैं तो कोई और एमपी लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपोजिशन मेंबर का या अपोजिशन पार्टी का जो स्टैंड है, जो कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट के स्टैंड से अपोजिशन में होगा, अपोजिट होगा, उसको रिफ्लेक्ट करता है। इट हैज लेसर चांस ऑफ अप्रूवल, यस, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा, गवर्नमेंट के पास नंबर है, अपोजिशन के पास नंबर नहीं है, तो इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं पास होने के। आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये बेसिक डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट बिल के अंदर। पब्लिक बिल वो बिल होता है जो कि मिनिस्टर के द्वारा लेके आया जाता है, प्राइवेट बिल अदर देन मिनिस्टर के द्वारा लेके आया जाता है। पब्लिक बिल में क्या होगा, क्योंकि मिनिस्टर लेके आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करेगा, रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि प्राइवेट बिल अदर देन मिनिस्टर लेके आया जाता है, वो अपोजिशन पार्टी की जो फीलिंग्स होती हैं, जो उनके स्टांस होते हैं, उनको दिखाता है। अगर हम पब्लिक बिल की बात करें, इट हैज अ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड, क्योंकि गवर्नमेंट पावर में है, उनके पास नंबर है। प्राइवेट बिल के चांसेस थोड़े से कम होते हैं क्योंकि उनके पास, अपोजिशन के पास नंबर नहीं है, होता तो शायद वो चुन के आ जाते। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंटरी कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। अगर यहां पे पब्लिक बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय द हाउस, इसका मतलब तो यही है कि अब पार्लियामेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा गवर्नमेंट के अंदर, उनको रिजाइन करना पड़ सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्राइवेट बिल के ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस इज नो इम्प्लीकेशन व्हाटसोएवर, क्योंकि सभी को पता था कि प्राइवेट मेंबर बिल है, नंबर वैसे ही नहीं है उनके पास, तो यहां पर तो फेल होना है ही इस बिल को। फिफ्थ देखते हैं, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 डेज नोटिस। यहाँ पे बहुत कम नोटिस पीरियड दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको ज्यादा वेट कराना सही नहीं है। उनके जो मैटर्स होते हैं काफी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, लेकिन प्राइवेट बिल के जो मैटर्स होते हैं वो पॉलिटिकली ड्रिवन भी हो सकते हैं, और 1 मंथ नोटिस यहाँ पे दिया जाता है। 6 पॉइंट में इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट, मान लीजिए स्पेस का कोई इशू है तो स्पेस डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको ड्राफ्ट करेगा, या फिर मान लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई इश्यू है तो वहां पे डीएसटी इसको बनाएगा लॉ डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन प्राइवेट बिल के अंदर क्या होता है, इट्स ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न। जो मेंबर इसको लेके आ रहा है प्राइवेट मेंबर, वही इसको ड्राफ्ट करने की उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। 9 क्वेश्चन को देखते हैं। 9 क्वेश्चन बात करता है सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल के बारे में। तो फर्स्ट रीडिंग जो है हम देख चुके हैं, अब हम सेकंड रीडिंग के बारे में देख रहे हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल के बारे में ठीक है। पहली कहती है द बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो द डिटेल्ड स्क्रूटनी। इसके अंदर जनरल स्क्रूटनी तो होती है, साथ में डिटेल स्क्रूटनी भी होती है। मे बी एट दिस स्टेज इट अज्यूम्स इट्स फाइनल शेप। फाइनल शेप जो है सेकंड स्टेज में इसको मिल जाती है। द फाइनल स्टेज इन्वॉल्व्स 3 मोर सब स्टेजेस। जो फाइनल स्टेज जो दिस स्टेज इन्वॉल्व्स 3 मोर स्टेजेस, तो सेकंड स्टेज के अंदर सब स्टेजेस भी होती है 3। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो जो सेकंड स्टेज होती है यहाँ पे जनरल और डिटेल स्टडी जो होती है वो करी जाती है, बिल्कुल ठीक है। फाइनल शेप जो बिल की, क्योंकि यहाँ पे हमने जनरल तरीके से भी उसको पढ़ लिया, डिटेल में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब बचा क्या, अब तो कुछ नहीं बचा, तो फाइनल शेप जो है वो इसको दे दी जाती है इस स्टेज के अंदर। और साथ में ही सेकंड स्टेज जो होती है काफी डिटेल्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर सब स्टेजेस भी होती है। सब स्टेजेस 3 सब स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, तो एक जनरल डिस्कशन की, देन कमेटी स्टेज जिसमें कमेटी को रेफर किया जाता है, और तीसरी होती है कंसिडरेशन स्टेज जिसमें सब लोग आपस में इसको बैठ के डिस्कस करते हैं, कंसिडरेशन किया जाता है, ठीक है। तो जनरल स्टेज, कमेटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, याद रखिएगा, जीसीसी करके याद रख लीजिएगा। सेकंड स्टेज के अंदर ये तीनों स्टेजेस आती हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। 10th लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, जो कि बात करता है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में क्या होता है, कमेटी स्टेज में क्या होता है, कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है, ये तीनों के बारे में बात करी गई है, क्योंकि स्टेजेस में क्या क्या होता है अंदर वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको मैच करना है। ये कह रहे हैं कि स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में प्रिंटेड कॉपीज जो होती है वो मेंबर्स को दे दी जाती है। मे बी कमेटी स्टेज में बिल को थरली एग्जामिन किया जाता है और कंसिडरेशन स्टेज में बिल को पास कर दिया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए जनरल डिस्कशन को देखते हैं। मान लीजिए हाउस है जिसमें डिस्कशन चल रही है, तो क्या होगा, उसमें मेंबर्स बैठे होंगे, स्पीकर बैठे हैं यहाँ पे, तो इन सबको कॉपीज जो होती हैं हार्ड कॉपीज दे दी जाती हैं ताकि वो पढ़ सकें इसके ऊपर और अपने विचार दे सकें। ठीक है, तो ये तो होगी जनरल डिस्कशन की स्टेज। सब लोगों को आपने एक एक कॉपी दी और जनरल डिस्कशन के लिए वो तैयार हो गए। जैसे क्लास में होता था ना, हम किसी भी चीज को कर रहे होते थे, टॉपिक डिस्कस कर रहे होते थे कॉलेज लेवल के अंदर, तो एक हार्ड कॉपी जो होती थी वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, उसको देखकर ही फिर हम क्वेश्चंस रेज करते थे, या कोई केस स्टडी डिस्कस करनी होती थी तो भी इस तरीके की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी ताकि फिर हम टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें। तो यहाँ पे पहली स्टेज में यही होता है। सेकंड में कमेटी स्टेज। कमेटी स्टेज में कमेटी को रेफर किया जाता है, तो थरली जो है इसको एग्जामिन किया जाता है, बिकॉज कमेटी तो इसको बहुत डीपली जाके देखेगी। बिल्कुल ठीक है। कंसिडरेशन स्टेज में मैंने आपको बताया था कंसीडर किया जाता है, मतलब बिल को क्लोज बाय क्लोज देखा जाता है। ठीक है, बिल को पास नहीं किया जाता, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कंसिडरेशन स्टेज में एवरी क्लॉज इज कंसीडर्ड, एवरी क्लॉज इज कंसीडर्ड, क्लॉज बाय क्लॉज पूरे बिल को यहां पर डिस्कस किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे, नहीं तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन रिविजन अभी हम करने वाले हैं, इसको मिस मत करिएगा। सो वी आर स्टार्टिंग द रिविजन। चलिए, तो शुरुआत हुई थी नो डे येट नेम मोशन से। पावर सारी की सारी कि इस मोशन को लाने के लिए किसके पास होती है, स्पीकर के पास। एक दिन यहां पे एलोकेट किया जा सकता है, या पार्ट ऑफ द डे भी एलोकेट किया जा सकता है लीडर ऑफ द हाउस से पूछकर। उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर कैन रेज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में बात करी गई थी। जब लगता है कि हाउस नॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चल रहा है, यूजुअली अपोजिशन पार्टी से रेज करती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस से माना जाता है, ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सेंश्योर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से बताया था। सेंश्योर में याद रखिएगा स्पेलिंग में ही रीजन आ रहा है, और नो कॉन्फिडेंस में नाम में ही नो आ रहा है। ठीक है, जब नाम में ही नो आ गया मतलब नो रीजन देने की जरूरत। सेंश्योर में नाम में ही आर ही आ गया जिससे आप रीजन बना सकते हैं, मतलब रीजन देने की जरूरत है। बाकी डिफरेंस भी हमने यहाँ पे करे थे। कौन मूव कर सकता है ये देखा था। सेंश्योर के अंदर आप एक पॉलिसी को भी टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेंश्योर मोशन जो होता है इसके अंदर रेजिग्नेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक बार हाउस का कॉन्फिडेंस गया तो रेजिग्नेशन करने की जरूरत पड़ती है। फिर हमने देखा था शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एसडीडी के बारे में, 2 घंटे का होता है। पब्लिक इंपॉर्टेंट के जो इशू होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इशू होते हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के, उसको यहां पे रेज किया जाता है। साथ में ही स्पीकर इसके अंदर 2 घंटे का टाइम जो है वो दे सकते हैं। 2 घंटे का टाइम इनफ होता है इस चीज को डिस्कस करने के लिए, और स्पीकर करते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि हाउस के अंदर कर्ता धर्ता कौन है, स्पीकर इज द कर्ता धर्ता। फिर हमने रेजोल्यूशन के बारे में देखा था, तीनों नाम हमारे करेक्ट थे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी, तीनों टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। प्राइवेट मेंबर ऑल्टरनेट फ्राइडे को दिया जाता है, बिल्कुल याद रखना है आपको। बाकी के दिन मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी दोनों को दिए जाते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल के बारे में देखा था। ऑर्डिनरी नाम में ही ऑर्डिनरी है, किसी भी हाउस में ले जाओ, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स में डील नहीं करता है, क्योंकि इसकी तो एक अलग कैटेगरी बनी हुई है। जो मनी बिल होता है इस सर्टिफाइड बाय प्रेसिडेंट नहीं, क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस किया हाउस के अंदर कर्ता धर्ता कौन होता है, स्पीकर। तो स्पीकर कह देगा कि कोई फाइनेंस बिल मनी बिल है तो वो मनी बिल कहलाएगा। मनी बिल क्या एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइनेंस बिल होता है, तो यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि मनी बिल जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया से डील करता है, आर्टिकल 110(1) AG, जिसमें यहां पे कंसीडर करे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हमने ये भी मैटर्स भी देखे थे, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो मैटर्स होते हैं वो डील किए जाते हैं। देन ऑर्डिनरी बिल के बारे में देखा था, मैंने आपको बताया था किसी भी हाउस में लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि लोकसभा के अंदर ही आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, और कोई भी इसको लेके आ सकता है क्योंकि नाम ही इसका ऑर्डिनरी है, तो किसी भी हाउस में ले आओ भाई, कोई भी इसको ला सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखा था, प्राइवेट बिल जो है इसमें क्या होता है, अदर देन मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, 1 महीने का इनको नोटिस पीरियड जो होता है वो चाहिए होता है, और साथ में चांसेस जो होते हैं इसके अप्रूव होने के वो काफी कम होते हैं। और अप्रूव होने के चांसेस कम क्यों होते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको, क्योंकि अपोजिशन पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और पब्लिक बिल जो होता है इसके उलट में जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। तो आप इस तरीके से इसको अगर क्रूड वे में याद रखना है तो इसको गवर्नमेंट बिल कह दीजिए, ठीक है, इसको अपोजिशन बिल कह दीजिए, याद रखने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। अदरवाइज वैसे इसको एग्जाम में मत लिखिएगा इस तरीके से, पब्लिक बिल इज पब्लिक बिल, लेकिन आप इसको गवर्नमेंट बिल के तरीके से याद रखेंगे तो आपको ये प्रोविजन याद करने आसान हो जाएंगे, और एग्जाम में स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना काफी ईजी हो जाएगा। फिर हम सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है, देखिए डिटेल स्टडी करी जाती है, जनरल स्टडी करी जाती है, कमेटी को रेफर किया जाता है। सेकंड के अंदर 3 सब स्टेजेस होती है, वो भी हमने देखी थी। जनरल स्टेज होती है, कमेटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज होती है, याद रखिएगा। इसमें होता है क्या, कंसीडरेशन स्टेज के अंदर बिल को पास किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर कंसीडर किया जाता है क्लॉज बाय क्लॉज, ध्यान रखिएगा। कमेटी स्टेज के अंदर बिल को थर्डली एग्जामिन किया जाता है और जनरल डिस्कशन के अंदर प्रिंटेड कॉपीज जैसे कि स्कूल कॉलेज में हमें दी जाती थी ताकि हम किसी केस स्टडी को डिस्कस कर सके, उस तरीके से हाउस के अंदर वेरियस मेंबर्स को जनरल डिस्कशन के लिए प्रिंटेड कॉपीज, फोटोस्टेट कॉपीज, जेरोक्स कॉपीज उनको दी जाती है। तो हमारे 10 क्वेश्चन रिवाइज भी हमने कर लिए। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जो भी आपने स्कोर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल बिकॉज वहां पर भी वी आर अपलोडिंग मेनी वीडियोज। थैंक्स वंस अगेन, सी यू वेरी सून।